पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों, सिपाही से ऑनरे कैप्टन तक जितने भी पेंशन धारक के पेंशन भोगी हैं, अपना अपना फॉर्मूला फिटमेंट फैक्टर के साथ कितना किसका बन रहा है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन ORP 3, जो आप लोग को पता है कि एक साथ 2024 से लागू है। हमारे भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, सबको ही देखेंगे। और आपको बता दें कि ORP में आप लोग का जो एरियर है अच्छा खासा बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है हमारे भूतपूर्व सैनिकों में कि सर हमारा कितना बन रहा है, हमारा कितना बन रहा है, हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सारा कुछ। तो इस वीडियो में हम आप सभी को क्लियर कर देंगे। सबसे पहले सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों को बता दें कि आप लोग का फिटमेंट फैक्टर जो है वो इस बार 2.57 ना रहकर जितना भी रहेगा वो तो हम बताएंगे। बेस ईयर 2023 रहेगा, ये कन्फर्म है। और आप लोग का MOD की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है कि 90% आप लोग का जो टेबल है वो तैयार हो चुका है। और आप लोग को पता है कि MOD ने सबसे पहले ही अप्रूवल दे दिया था ORP 3 के ऊपर। आप लोग को पता होना चाहिए कि मंजूरी मिलने के तुरंत बाद सेक्रेटरी मीटिंग हुई और सेक्रेटरी मीटिंग के बाद टेबल भी जारी कर दी गई, लेकिन अभी तक अनुमानित टेबल ही घूम रही है। और काफ़ी टेबलें आपने देखी होगी यूट्यूब में जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन इस टेबल हम जो लाते हैं उनका पूरा आधार रहता है, पूरा कैलकुलेशन के साथ किया रहता है, उसमें बिल्कुल एकदम डाटा फिटमेंट फैक्टर लगा के मिनिमम मैक्सिमम निकाल के उसमें दर्शाया जाता है। आप लोग सभी भूतपूर्व सैनिकों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करके रखें, ताकि आपको जैसे ही टेबल MOD जारी करेगी हम भी यहाँ से जारी कर देंगे। विद इन 5 मिनट में हम लोग जारी कर देंगे। तो आप लोग को इसके लिए हम लोग के साथ जुड़ना होगा, जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब के लिए आप लोग को नीचे देखना होगा, सब्सक्राइब का एक बटन है, बगल में एक छोटी सी घंटी, उसको दबाना होगा, ताकि आपका प्रिविलेज, आपका वेलफेयर, ORP का एरियर, कोई भी जॉब आएगी एक्स सर्विसमैन की या फिर DGR की तरफ से या PCDA की तरफ से कोई नोटिस, तो सारा कुछ हम यहाँ से आपको बता पाएं। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।